साल 2022 में रूस यूक्रेन संकट की वजह से गेहूं की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला था और भारत में भी इसका असर देखने को मिला। उम्मीद की जा रही थी कि साल 2023 में स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन यूरोप में उगने वाले गेहूं ने एक बार फिर टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक एक फफूंद रोग पड़ रहा है जिसे फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट यानी FHB कहा जाता है, जो गेहूं की फसलों को संक्रमित कर सकता है और अनाज को विषाक्त पदार्थों से दूषित कर सकता है। इस कारण से इसे इंसानों के इस्तेमाल लायक फिलहाल नहीं माना जाता, क्योंकि ये तथाकथित माइकोटॉक्सिन, जिसे आमतौर पर वोमिटॉक्सिन भी कहा जाता है, मानव और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। बात विश्वविद्यालय के एक रिपोर्ट में ये पाया गया है कि FHB माइकोटॉक्सिन पूरे यूरोप में भोजन और पशु आहार के उत्पादित गेहूं में व्यापक तौर पर मौजूद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि माइकोटॉक्सिन का खतरा विशेष रूप से यूरोप के दक्षिण में समय के साथ बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अध्ययन में शामिल किए गए प्रत्येक यूरोपीय देश में वोमिटॉक्सिन मौजूद था और कुल मिलाकर यह भोजन के लिए नियत किए गए सभी गेहूं के नमूनों में से आधे में पाया गया। दरअसल यूके में 2010 और 2019 के बीच उत्पादित खाद्य गेहूं के 70% में वोमिटॉक्सिन पाया गया था। हालांकि यूरोपीय गेहूं में दर्ज किया गया वोमिटॉक्सिन लगभग सभी 95% में सरकार के द्वारा तय सुरक्षित सीमा के अंदर ही था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भले ही मौजूदा आंकड़ों में ये माइकोटॉक्सिन सुरक्षित सीमा के अंदर ही हो, फिर भी हमारे भोजन में वोमिटॉक्सिन की व्यापक उपस्थिति चिंता का विषय है। फिलहाल ऐसी कोई रिसर्च नहीं हुई है कि अगर सुरक्षित सीमा के अंदर भी माइकोटॉक्सिन को लंबी समय तक लिया जाए तो इसका इंसानों पर क्या असर पड़ेगा। इस टॉक्सिन की वजह से यूरोप की फिलहाल एग्रीको इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ने की संभावना जताई गई है। दरअसल यूरोप में भोजन के लिए उत्पादित गेहूं के 5% में वोमिटॉक्सिन सीमा से अधिक था और साल 2010 से 19 के बीच ये 7.5 करोड़ टन गेहूं के बराबर था। आमतौर पर टॉक्सिन अधिक होने पर नियमों के अनुसार उसे पशु चारे में बदल दिया जाता है, लेकिन इससे किसानों को काफी नुकसान होता है क्योंकि इंसानों के खाद्य के मुकाबले पशु चारे की कीमत काफी कम मिलती है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि अगर सभी गेहूं को 5% बिक्री पशु चारे की दर पर की गई तो इस दौरान किसानों को 300 करोड़ यूरो यानी 26,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। वहीं गेहूं की सप्लाई में भी कमी आने पर इसका असर कीमतों पर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि माइकोटॉक्सिन का स्तर लगातार बढ़ रहा है और 2018-19 के दौरान इसकी मौजूदगी सबसे ज्यादा देखने को मिली थी, यानी आने वाले समय में आशंका है कि पहले से ज्यादा गेहूं इंसानों को होने वाली सप्लाई से हटाना पड़ सकता है। खास बात यह है कि गेहूं के मुकाबले मक्का FHB के लिए एक अति संवेदनशील फसल है, यानी इसका असर दूसरी फसलों पर भी देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।